हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेटलैब DGPS में स्टैटिक का डाटा कैसे करेंगे आप और इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो एक डिटेल वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर डिवाइस में ही जाना है, उसके बाद कनेक्ट, जो आपका बेस या रोवर रहेगा जिससे आप स्टैटिक करना चाह रहे हैं आप उसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसके बाद आपको ऊपर से बैक करना है, आना है आपको यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर रहता है स्टैटिक डाटा, तो यहाँ पे स्टैटिक सेटिंग में आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरवल, अगर आपको 1 आवर या 2 आवर का रखना है तो आप यहाँ पे इंटरवल 1 सेकेंड का रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम तक आपको डाटा अपना स्टोर करना है तो आप यहाँ पे 5 सेकेंड रख सकते हैं। यहाँ पे आप साइट का नेम जो है आप 3 वर्ड्स में कर सकते हैं, यहाँ पे मैं CP1 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हाइट पूछता है, तो यहाँ पे आप अगर आपने पोल पे लगाया, यानी आपका जो बाइपोड है उस पर आपने लगाया है रोवर को या बेस को, तो आप यहाँ पे पोल की हाइट डालेंगे। अगर आपने ट्राईपोड पे लगाया है तो आप यहाँ पे वर्टिकल और स्लेंट हाइट डालेंगे अपना मेजरिंग टेप से माप के, तो यहाँ पे आप आसानी से टारगेट हाइट आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हाइट है मैं उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद जनरली हम एलिवेशन मास जो होता है वो 15 रखते हैं। सेव ड्यूरेशन पे मैं अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर ऐसा करके डाल सकता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेव ड्यूरेशन पे क्लिक नहीं करते हैं तो जब से आपने स्टार्ट किया है और जब आप बंद करेंगे मशीन को तब तक का डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा आपका। तो अभी मैं यहाँ पे 1 आवर का कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको नीचे स्टैटिक मोड करके आ रहा होगा, आपको इस पर टच करना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए और मशीन से अभी साउंड आएगा एक। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक है वो शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा आपका, KB, उसके बाद MB। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे भी कि साइज कैसे बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 24 KB हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका डाटा रिकॉर्ड होता जाएगा और जो डाटा का साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप स्टैटिक की सेटिंग दे सकते हैं आसानी से। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप इसमें स्टैटिक कैसे करेंगे और इसका आप डाटा कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका डाटा आप अपना स्टैटिक कर लेते हैं पूरा ऑब्जर्वेशन, तो आप उस डाटा को डाउनलोड कैसे करेंगे। इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, स्टैटिक डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे जो CP करके है वो हमने फाइल का CP1 दिया था नाम, तो हो चुका है। अगर अभी हम ये हमने कनेक्ट किया है अपने डिवाइस को ब्लूटूथ के माध्यम से, तो यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे आएगा ऑपरेशन मस्ट बी वर्किंग इन वाईफाई कनेक्शन, तो इसको हम वाईफाई हमको कनेक्शन देना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम डिवाइस में जाएंगे, इसको हम कर देंगे डिसकनेक्ट यहाँ पे। इसके बाद हम अपना ब्लूटूथ बंद कर देंगे, ब्लूटूथ बंद करने के बाद हम वाईफाई में जाएंगे, और वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पे जो मेथड है यहाँ पे हम वाईफाई कर देंगे। वाईफाई करने के बाद यहाँ पे वाईफाई में हम फिर से जाएंगे, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर
देखिएगा आपका जो बेस रहेगा या रोवर, तो यहाँ पे हम इसको अभी कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो हम बैक करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ऊपर से मैं बैक करूंगा, स्टैटिक में आऊंगा, स्टैटिक डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पे हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये आपको डाटा मिलेगा कहाँ, जो आपका कंट्रोलर है उसका जो फाइल मैनेजर रहेगा उसमें स्टैटिक करके एक जगह रहेगी, स्टैटिक डाटा, सेटलैब में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको कंट्रोलर में आपका जो फाइल है वो कहाँ पे रहेगा। आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है, आप इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे सेटलैब, यहाँ पे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिक आऊँगा, यहाँ पे जो डाटा है ये आ चुका है। तो यहाँ से आप अपना डाटा अपने लैपटॉप में आसानी से ले सकते हैं और डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप एक और मेथड से अपना डाटा ले सकते हैं। मेथड ये है कि आप अपना वाईफाई मोबाइल में ऑन करिए और जो सीरियल नंबर है उसको आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद बैक करके आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में आना है। यहाँ पे मैं आपको एक आईपी बता रहा हूँ, 198.168.10.1 आपको ये टाइप करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक में आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने सेटिंग वगैरह दिया था वो दिखेगा। तो आप यहाँ पे फाइल मैनेजर में आइए, यहाँ पे स्टैटिक डाटा, और यहाँ पे आप इसको लॉन्ग प्रेस करके जो आपका है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो जो हमारा डाटा है वो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डाटा ओपन होगा नहीं, यहाँ पे मैं डाउनलोड में भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैटिक का डाटा है वो आ चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना स्टैटिक का डाटा, ये सेकंड मेथड है, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से बताया कि आप अपना स्टैटिक का डाटा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये जो डाटा है आप सिर्फ 100 MB तक ही यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब जो आपको मैंने एक बताया कि आप इसको वाईफाई मोड में कनेक्ट करिए, दूसरा जो मैंने आईपी के थ्रू बताया, तो आप टोटल यहाँ से 100 MB का ही डाटा आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बड़ी फाइल है, ज़्यादा आपने ऑब्जर्वेशन किया है, तो उसके लिए आपको डाटा डाउनलोडिंग केबल लगानी होगी अपने लैपटॉप में, और जो आपका बेस या रोर रहेगा उसमें लगानी पड़ेगी, वहाँ से आप आसानी से अपना डाटा निकाल पाएंगे। उस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना जो डाटा है वो डाटा डाउनलोडिंग केबल के थ्रू कैसे निकाल पाएंगे। और आगे मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताता हूँ कि स्टैटिक में कुछ चीज़ें एडिशनल बताऊँगा, तो बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना टाइम तक ऑब्जर्वेशन रखना है। जैसे डिस्टेंस जो है, कंट्रोल पॉइंट जो आपका है, अगर एक मान लीजिए यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है, तो आपको 2 आवर्स का ऑब्जर्वेशन आपको रखना है, स्टैटिक यानी करना है। अगर आपका 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में है, 2 कंट्रोल पॉइंट उपलब्ध हैं, तो आपको 4 आवर्स रखने हैं, यानी 4 घंटे आपको रखने हैं। अगर 20 किलोमीटर से आपको 40 किलोमीटर के बीच में रखना है, तो आपको 8 घंटे रखने हैं। अगर आपको 40 किलोमीटर से ऊपर का रखना है, तो उसके लिए आपको 16 घंटे का ऑब्जर्वेशन करना होगा। लगभग लगभग आपको इसमें एक्यूरेट आपका जो डाटा रहेगा, स्टैटिक डाटा, वो आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा कि स्टैटिक करते कैसे हैं और उसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं, डाटा को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।